देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंकुट उपलब्ध हैं। नोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज 28 पर देखिए रविवार 15 मई 2022 से रात 8 बजे खबरें दिन भर की, तो देखना ना भूलिएगा मेरे साथ इंडिया न्यूज 28 पर खबरें दिन भर की। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में, मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सतना की ग्राम पंचायतों में लाखों की हेराफेरी, कलेक्टर को ग्राम पंचायत पड़खुड़ी की जनता ने जांच के लिए दिया ज्ञापन। रामपुर बगेलान विधायक, अनुविभागीय अधिकारी और जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन पत्र सौंपकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पड़खुड़ी में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। रामपुर बगेलान जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटखुड़ी में घोटाला सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव, सरपंच तथा सहायक सचिव द्वारा बिना काम किए 10,29,000 रुपये सरकारी मद से निकाल ली गए। बिना काम किए सिर्फ कागज में काम दर्शाया गया है। पंचायतों में पेड़ पौधे, सड़क बनवाना, नाली का निर्माण करवाने के नाम पर गाँव वालों का कहना है कि पंचायत में एक भी कार्य नहीं हुआ है और राशि निकाली गई है। पंखुड़ी ग्राम की जनता कुछ दिन पहले विधायक, रामपुर जनपद पंचायत सीईओ और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। सतना संवाददाता जितेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी बताएं, आज आप कलेक्टर आए हैं, क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं ग्राम पोस्ट पड़खुड़ी का निवासी हूँ, जिसमें 2021 में कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जिसमें 2,29,000 रुपये निकासी कर ली गई है। जब मैं जनपद सीईओ को इस जांच के लिए दिया हूँ, डेट है 18 तारीख को, मैंने 4 महीने में दिया, आज तक कोई भी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई, ना तो कोई कॉल आया, ना तो कोई अधिकारी आया। किसने निकाल लिया गया राशि? सरपंच और सचिव और सहायक सचिव ने निकाला। अच्छा, तो आप अपने ग्राम पंचायत जनपद पंचायत स्तर पे जांच के लिए मैंने सीईओ को आवेदन दिया, ये आवेदन सीईओ साहब का है और तहसीलदार मैडम का भी है जी, और प्लस जो ये राशि निकाली गई है उसकी पेमेंट लिस्ट है। जी जी जी, तो आज आप आए हैं? आज मैं आया हूँ कलेक्टर साहब के पास, ताकि इसकी जांच की जाए और पदाधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्यवाही। क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने बोला कि कुछ जल्द से जल्द इसका कार्य किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। कहाँ का मामला है? ग्राम पोस्ट पड़खुड़ी, रामपुर बगेलान का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुशवाहा है, मैं पड़खुड़ी का निवासी हूँ।